हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे एपिसोड 266 का पार्ट 3। तो पिछले पार्ट में आ गए हैं महादेव जी, साथ पार्वती जी भी हैं, क्या यार, अशोक सुंदरी जी भी हैं। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट, और देखते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। के बारे में हमने सबसे हमारे बारे में नहीं सुना था। सुना था? हमसे मिलने की इच्छा नहीं होती थी। किंतु कभी मिलने क्यों नहीं आए हमसे? देखिए, हम तो आ गए। महादेव, माता, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? वाकई यार, इस भूमि पे पुनः आपके चरण कमल पड़े हैं। यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्य हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? नहीं मीनाक्षी, हम तो स्वयं तुम्हारी ऋणी है। तुमने कार्तिकेय को अपनी संतान के भांति अपने वात्सल्य से सुखी रखा। इसका महत्व एक माँ ही समझ सकती है। भैया, हमें अपना महल ही दिखाएंगे? दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। पहले भोजन तो ग्रहण कर लो। चलिए। आज सेनापति मुर्गन पेट भर कर ही नहीं बल्कि मन भर कर खाना खाएंगे। आज आप जो अपने हाथों से इन्हें खिला रही हैं। काफी दिनों बाद कितनी शांति है यहाँ।
यहाँ मैं तपस्या करता। तपस्या? आप तपस्या करते हैं? पिताजी सदैव कहते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही हैं। और तपस्या द्वारा मैं अपना मन एकाग्र करने का प्रयास करता हूँ, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करता हूँ। तपस्या मुझे अपने सत्य से और अपनी वास्तविकता से कभी दूर नहीं होने देती, कभी भ्रमित नहीं होने देती मुझे। निरंतर आध्यात्मिक उद्विकास और उत्थान, जो कि प्रत्येक जीवन का उद्देश्य है, उसका एकमात्र उपाय है तपस्या। तो क्या हमें भी तपस्या करनी चाहिए? जिसके पिता स्वयं योगेश्वर हो और जिनकी माता स्वयं आदि शक्ति पार्वती, उसका तपस्वी बनना पूर्व नियत ही नहीं अभी तो उसका धर्म है। और यदि तुम तपस्या से विमुख रहे तो तुम्हारा व्यक्तिगत विकास, तुम्हारी आत्मोन्नति संभव कैसे हो पाएगी बहन? दक्षिण क्षेत्र कितना अद्भुत है, प्रतीत होता है जैसे कण कण में देवत्मा का वास हो। भैया ये तो दक्षिण आने के पश्चात मैंने यहाँ एक छोटा सा कैलाश बसा लिया था। आपको कैलाश से दूर रहकर दुख होता होगा ना? मैं दुखी तो नहीं कहूंगा, किंतु सदैव ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे जीवन संपूर्ण नहीं है। तो फिर आप कैलाश वापस क्यों नहीं चलते? नहीं, असुर केवल इसी प्रतीक्षा में रहते कि कब मैं दक्षिण से दूर जाऊं और कब वो आक्रमण करते। नहीं बहन, मैं दक्षिण को छोड़कर नहीं आ सकता। किंतु आप कभी तो आएंगे ना हमसे मिलने? अवश्य, हमारे विवाह से पूर्व। विवाह? हाँ, माँ ने कहा है हमारे स्वामी का नाम नाहुश है। नाहुश? ये नाहुश कौन है? हमारे होने वाले स्वामी। तुमसे एक बात कहूँ, तुम बहुत भाग्यशाली हो बहन। जो माँ और पिताजी के साथ इतना समय व्यतीत कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा अवसर कभी मिला ही नहीं। और इसलिए मैं जानता वो एक एक क्षण जो मैंने कैलाश पर व्यतीत किया है वो कितना अमूल्य है। और इसी प्रकार जो तुम्हारा एक एक क्षण कैलाश पर माता पिता के साथ व्यतीत हो रहा है, वही स्मृतियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। किसी एक भी क्षण को व्यर्थ मत जाने देना बहन, कभी नहीं। मैं प्रतिदिन तरसता अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, उनके मधुर स्वर से अपना नाम सुनने के लिए। भैया तुम ये बताओ, क्या माँ मेरा स्मरण करती है? करती थी।
किंतु हमारे जन्म से पूर्व जब से हमारा आगमन हुआ है आपके विषय पर चर्चा होते अधिक नहीं सुनी हमने। मजाक की ईर्ष्या तो नहीं हो रही? ईर्ष्या? अपनी बहन से कैसी ईर्ष्या? यदि माँ और पिताजी तुम पर अपना सारा प्रेम भी लुटा दें फिर भी मुझे सदैव प्रसन्नता ही होगी। और यदि हम बहना होकर भाई होते तो? ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि मेरे होते हो माँ को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। भविष्य में तुम्हारी धारणाओं तुम्हारे विश्वास को चुनौती देने के लिए नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी जो तुम्हारे मन में नई भावनाओं का विचार उत्पन्न करेंगी। तुम्हें उनका सामना करना सीखना होगा। तुम्हारी यह तपस्या अभी शेष है कार्तिकेय। अभी तपस्या की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आए भाई, एक बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है दक्षिण साइड पर। महादेव जी आए एक नई जगह पर। यार कितना अजीब लगता है, यकीन माने कि एक जब एक आते हैं ना कैलाश से किसी और जगह पर, और ख़ास कर इधर एक कार्तिकेय जी रह रहे हैं ना, तो इधर आए हैं तो काफ़ी चीज़ें नई नई लग रही हैं। एक भोजन खाना, एक लोगों के साथ मिलना। अब तो जिस जिस ससुर को पता चला हो गया वो थोड़ा और दूर भाग गया होगा कि महादेव जी इधर आए हुए हैं, तो अब थोड़ा सा ना संभल कर रहना। मार दी के होते भाई, अब ससुर इधर एंट्री नहीं मारेंगे क्योंकि वो बड़ा जो था उसका तो एक हो गया। अब कोई नया जन्म लेगा या एक नया तपस्या पर लेटा है हुआ है तो वो तपस्या कर ही आएगा, क्योंकि ये एक वरदान लेकर ही आते हैं, ऐसे नहीं आते खाली। जो आगे मतलब चैलेंज करता है वो कुछ ना कुछ उसके पास होता है तो तब भी आता है। लेकिन हमने भाई काफी एक सारे असुर देखे हैं, लेकिन जो भस्म असुर था ना उसको वाकई खतरनाक वरदान दिया था महादेव जी ने, ऐसे संभाल ही नहीं गया। उसने खतरनाक वरदान लिया था ना, उतनी जल्दी बेचारे का अंत हुआ एक दो दिन खुद में। ऐसे स्टेप लेना वाकई उसका खतरनाक था एक। लेकिन ये कि भाई यहाँ पे बहना और भ्राता का भाई काफ़ी एक प्रेम देखने को मिला, लेकिन ये कि उनकी भी अभी काफ़ी है कि वो भी मतलब तपस्या करें या इस सैड के ऊपर जाएं, अपने आप को मतलब सैड के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भाई एंड के ऊपर जो कार्तिकेय जी ने जो लफ्ज बोला उसके ऊपर महादेव जी थोड़ा सा जो है ना वो मतलब हिले हैं, एक हिले कह लें उनके अंदर वो चीज़ आई है कि आप इतनी जल्दी इस चीज़ के ऊपर नहीं कह सकते कि मेरे बाद अभी कोई भी नहीं आएगा है, शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न हो। बाकी देखते हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।